जाए नहीं हर छूटो जाए बाबुला मोराए नहीं हर छूटो ने का टिकट लेकर तमाचा दे दिए क्या तमाचा है मियां बीवी कचरा दीजिए आई आइए क्या अच्छा तमाचा बाल कटकर गलती गलती में तुम की दे रहे दे तुम्हें कुत्तों के मुंह से मुंह मिलाना देखिए नया फैशन का तमाचा चलिए देखा देखा हमें देख के हंसती है अब भैया हम दादा पैसा दे के जाके दे तुझे क्यों जाने दिया अच्छा किया तुझे क्या उस दिन आधी सिगरेट मांगी थी पी थी आज भुलवा थिएटर में पार्ट करता है इसीलिए हाँ कब मांगी थी उसी राजबाड़ी के मेले में भुलवा कब ले चलोगे दादा तेरी सिगरेट नहीं चाहिए ऐसी सिगरेट देखो कौन सिगरेट है भाई को तब तो दो लेंगे हाँ तो लेंगे भैया देखे भैया क्या और है अब ले चलोगे अबे ठहरना आइए साहब आइए क्या अच्छा तमाशा है आइए नया फैशन चलिए खालो मैं दम खाना क्यों इतनी देर लगाई है जान लबों पर आई और पेट में उड़ गई धूल मुए चंडूल गधे की धूल और पेट में उड़ गई धूल मुए चंडूल गधे की धूल मैं लेने गया था मिठाई रास्ते में ठोकर खाई मैं लेने गया था मिठाई रास्ते में ठोकर खाई और चोट में तो आई और चोट में तो आई क्यों इतनी हो झल्लाती ये साधन है ये चपाती क्यों इतनी हो झल्लाती ये साधन है ये चपाती मुझको तो नहीं है भाती हाँ पूरी कचौड़ी खाती हाँ पूरी कचौड़ी खाती मुझको तो नहीं है भाती हाँ पूरी कचौड़ी खाती हाँ पूरी कचौड़ी खाती फिर जाऊँ अभी फिर जाऊँ तुम ठहरो अभी ले आओ क्या भूख से मैं मर जाऊँ क्या कच्चा तुझे जमाऊँ ना माकूल कहे की झूल हुए चंडूल अब देर न होगी बख्शो तुम बख्शो हाँ बख्शो अब देर न होगी बख्शो तुम बख्शो हाँ बख्शो क्या तोड़ दूँ यूँ ही तुझको क्या तोड़ दूँ यूँ ही तुझको
तोबा बीबी तोबा, पहले भी तो की थी तोबा। अरे बस तोबा बीबी तोबा, पहले भी तो की थी तोबा तोबा। फूल जुनून बिलाडी फूल। मुझे नहीं मार सकते। मेरे मैनेजर साहब। तूने क्यों मारा? जाने कौन जा सकता है, अपनी जान भी तो प्यारी है। दमकल वालों ने है जरूर, और उसके बाद लड़की पर जुर्म करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाऊं, है ना?
सर्दी से कांप रही है। लाख
देखो बिजली की बत्तियां, इतने बड़े बड़े थिएटर, फिर क्या सुर से सीन उठ जाता है, तू नाचेगी हम गाएंगे, लाल सब्ज जर्द रंगीन बत्तियां हम लोग के मुंह पर पड़ेंगी, कैसे कैसे अमीर बड़े आदमी आएंगे, रुपए देकर हम लोग का गाना सुनेंगे, नाच देखेंगे। उठ तो, तुझे कलकत्ते के थिएटर के लिए एक नाच सिखा दे। अभी नहीं नाचेंगे। वाह, नाच नहीं सीखेगी तो कलकत्ते कैसे जाएगी? एक हारमोनियम खरीदना होगी, पैं पैं करके हम बजाएंगे गाएंगे, तू नाचेगी। अगर नहीं नाचेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, क्यों देगा, कलकत्ते कैसे जाएगी? नहीं नहीं नाचेंगे। नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? नहीं। नहीं नाचेगी? नाच। अरे रोती है, ची 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 ची, रोनी मुँह धोनी, बिल्ली लाई आता, मंजू का मुँह चाटा, ची 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 ची। हाँ ये हंसी, वाह, अब नाचेगी ना? हाँ नाचेगी ना। चुनन चुनन जब घुंघरू बोले, बंदी गांठ भागों की खोले, सोना रूपा एक में खोले और बरसावे हुन। चुनन चुनन जब घुंघरू बोले, बंदी गांठ भागों की खोले, सोना रूपा एक में खोले और बरसावे हुन। मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा। मीठे बोल पे करना भरोसा, जग में है धोखा ही धोखा। झूठी बात पर बैरा बन जा, सच्ची बात को सुन। झूठी बात पर बैरा बन जा, सच्ची बात को सुन। हर बोली पर डोले नैया, बोले सागर पार चिरैया, हर बोली पर डोले नैया। इस नैया का कौन खिवैया, चल अच्छा है सगुन। इस नैया का कौन खिवैया, चल अच्छा है सगुन। हल कर माँ के बुरे भले हैं, मोती पे तुले हैं, सच्चे झूठे मिले जुले हैं, अधिकारी बन तुम। सच्चे झूठे मिले जुले हैं, अधिकारी बन तुम। रास्ते से सीधे कलकत्ते पहुंच जाएंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी बिजली बत्तियों वाले थिएटर, तुम नाचोगी हम गाएंगे, लोग चीखेंगे भुलवा भुलवा मंजू मंजू। बस अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी चलो, पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा तो कलकत्ते भी नहीं जा सकेंगे। आप और थिएटर में पार्ट करेंगे और वो मुझे देना ही होगा, किस मजबूरी पर बताइए तो। आप थिएटर में पार्ट करेंगे? अरे मैं कहता हूँ, क्या दुनिया में एक्टरों का काल पड़ गया है? मेरे साथ एक लड़की भी है। लड़की? साथ में लड़की भी है? अरे मैं दरिया करूँ कि उस लड़की का सिन क्या है भैया। मैं भी हाथ जोड़ कर कहता हूँ
कि आप चलते फिरते नजर आइए। इस थिएटर के उड़ जाने से मेरे बाल बच्चों को रोटी भी नसीब ना होगी। सरकार, नहीं नहीं, इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती। जी 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 जी, क्या है, तुम कैसे आदमी हो जी, क्या चाहते, क्या हो हैं? सरकार, मैं एक छोटे से पार्ट के लिए आया हूँ। नो नो नो, यहाँ हम लोग शरीफ एक्टरों के सिवा और किसी को नहीं रखते। हुजूर, मैंने इससे पहले भी पार्ट, तूने तो परेशान कर दिया जान खाली। अबे, कह तो दिया है कि हम लोग सवाए शरीफ एक्टरों के और किसी को नहीं रखते, ये पेशादार थिएटर नहीं है। जाओ जी, मैं क्या क्यू जी वाला चपरा से। लोग देहाती में अच्छे थे, इन थिएटरों की नौकरी की तलाश में फिरते फिरते तो क्या नौबत आ गई। देखो तो, हमें थिएटर में जाने की जरूरत ही क्या है। इससे तो अच्छा है कि हम लोग नाचते गाते फिर उसी गांव में चले चले। वहां के तमाम लोग अपने ही आदमी मालूम होते थे, हमारे दुख को समझते थे, तुम्हारी कितनी अवभगत करते थे, यहाँ तो कोई बात भी नहीं पूछता। हमें यही रहना होगा। लेकिन अब तो पूंजी भी नहीं रही, मकान का किराया, फिर हम लोगों का खाना पीना, ये सब कहाँ से आएगा? इस बात की तुझे क्या फिक्र है, लौट जाने के लिए तो कलकत्ते नहीं आए थे। नौकरी ना मिलेगी तो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। लेकिन खाने पीने का क्या होगा? जो पहले होता था, फिर सड़कों पे गाते फिरेंगे। अच्छा, यहाँ रहने से क्या हासिल? थिएटर में तो किसी ने नौकरी दी भी नहीं और देगा भी नहीं। जो लोग थिएटर में एक नौकरी नहीं दे सकते, वो रास्ते में गाना सुनकर भला कुछ देंगे हा? अब ज्यादा बको मत, जाकर तैयारी कर लो, जाओ। अब तो ये नंदू मैं लोग तो नहीं संभाला जा सके। का जाने तू का जादू कर दियो हो भूभू, तुम्हारे बिगैर एक मिनट सिन चैन नहीं ले रहे है। हजरे से तुम्हारे पास आवेला जो जीद लगा रखी है, चुप होवे का नामे नहीं ले रहे है। जा तुम का जल क्यों लगाती हो, तुम बताओ, तुम्हारा ब्याह होगा। हाँ, दूल्हा कहाँ है? यही तो है, जोर तो अच्छा है।
सच कहते हो यार? अरे दस आंखें चौंधे हा जाएंगी ये तुम्हारी प्यारी व्यारी उसकी जूती की बराबरी नहीं कर सकती। आ गई आ गई। अरे आओ 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 प्यारी आओ। बस खबरदार, तुम इस तरह बातें बनाने वाले होते कौन हो? दिन रात मेरी जूतियों की नोक दिखाया करते हो, प्यारी ही की जूतियों के बराबर। जी ये क्या मैं नहीं जानता, कुठंगे नाच की धमा चौकड़ी से स्टेज के सीने पर जो मोंगरियां पड़ती हैं, उनकी चोटें सुनने वालों के कानों से दाखिल होकर कलेजे से कलेजे में उतर जाती हैं। जिसकी आवाज हम ठोंक कर ट्राम की आवाज से मुकाबला करती है और दबने का नाम नहीं लेती जब गाती हो, वाह 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 वाह। तो चटकल का भांपू अपने हारने की फरियाद करता है। देखते हैं लोग बाबू, देखते हैं, ये बात अच्छी नहीं है, समझे? ऐसा होगा तो तुम चली जाओगी, यही ना, इतना कहने में रुकावट कैसी, हिचकिचाना कैसा, दफा हो जाओ। मैं सचमुच कहती हूँ चली जाऊंगी। रास्ता पकड़ो रास्ता, नई चिड़िया आएगी। देखते हैं लोग बाबू, देखते हैं। मैं कहती हूँ आखिर ये बात क्या है बताइए तो, इनकी तरह अगर मैं पास नहीं कर सकती ना सही, तो क्या इसके लिए रोजाना जूती के लोग दिखाया करेंगे? आज किसकी बदौलत डायमंड थिएटर इतने जमाने से दौलत लूट रहा है? आज मैं गाना नहीं जानती, नाचने से स्टेज टूटता है, देखने वालों को बुखार चढ़ता है। ठहरो ठहरो, अभी बुखार न चढ़े, लेक के किनारे से तुम्हारा बुखार देखने का थर्मामीटर ले आऊं। अरे चुप रहो अमर। अमर क्या जानता है, तुम चली जाओगी। भला जा सकती हो और मेरे जीते जी। अरे भला तुम ही बताओ कि ये थिएटर है किसके लिए? चली जाऊंगी पगली कहीं भी। प्यारे बीबी डिस्क कर लीजिए, टाइम हो गया। अरे डबल प्यारी मजे करो जान, आज तो त्रिलोकनाथ जरूर अभिसार में जाएंगे। चलो 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 चलो। भुलवा, अच्छा बताओ तो तुम किससे ब्याह करोगे? मैं तुम ही बताओ मैं किससे ब्याह करूं। पहले तुम बताओ। ना पहले तुम बताओ। नहीं पहले तुम बताओ। तुम ही बताओ। हम बताएं? देखो एक लड़की से। तुमसे? बस। फिर किससे? जो तुमको मारे। क्यों, मैं तुमको मारता हूँ इसलिए? नहीं तुम कहना नहीं मानते हो इसलिए। अच्छा तुम भी तो दौलतमंद हो जाओगी, तुम किससे ब्याह करोगी? फिर क्या बताओ ना। किसी से भी नहीं। नहीं बताओगी? अच्छा हम बताते हैं। नंदू की माँ, नंदू की माँ, तुम जानती हो मंजू किससे ब्याह करेगी? एक राजकुमार से। क्या होता है? मंजू ने सपने में देखा एक बहुत बड़ी गाड़ी है। अच्छा नहीं होगा बुलवा। एक तरफ मंजू बैठी है और दूसरी तरफ वो राजकुमार, समझी? राजकुमार, भुलवा नहीं। वारे मैंने यही कहा था। और वो राजकुमार मंजू से कितनी मोहब्बत करता है। जा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मुंह फुलाने की जरूरत नहीं, आओ तुम्हें वो गाना सिखा दूं, बाबल मोरा नैया छूट हो जाए। मैं इतनी मुश्किल धुन नहीं सीख सकती। मैं तो सिखा दूंगा। तुम गा सकते हो इसीलिए समझते हो कि मैं भी गा सकूंगी। इससे तो अच्छा है कि हम तुम दोनों मिलकर गाएं। कौन सा गाना? ऋतु है सुहानी मत गवाए, ऋतु है सुहानी मत गवाए, छाई है यो दीनु दिखटाए, छाई है यो दीनु दिखटाए, ऋतु है सुहानी मत गवाए, ऋतु है सुहानी मत गवाए, सुख का जागना हर करवट सुख होना है, सुख का जागना सुख का सोना, हर करवट सुख होना है सुख का जागना। दुनिया
आगे बढ़े तो हम भी पीछे क्यों रह जाएं, दुनिया आगे बढ़े तो हम भी पीछे क्यों रह जाएं। ये क्या करती हो? मेरी खुशी, मेरा घर, जो जी चाहेगा करूंगी। अच्छा करो। जरूर करूंगी, करूंगी तो। फूलों से रानाई सीखे, ऊंचों से जेबाई सीखे, फूलों से रानाई सीखे, ऊंचों से जेबाई सीखे, जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जा, जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जा, हम भी वही रंग रंग जा। मिस्टर भलुआ, मिस्टर तलोकनाथ हमारे थिएटर के मालिक, मिस्टर भलुआ इन्हीं के बारे में तुमसे कहा था, बहुत प्रेम में गाते हैं। अब तो तुमने खुद सुन ही लिया है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यही है तो चुप। मिस्टर भलुआ, आप अपनी इस कोयल से हमारे तरलोक बाबू से तो तारुफ करा दीजिए। ये मंजू है। आप लोगों का थिएटर बहुत बड़ा है ना, बाहर बहुत सी बिजली की बत्तियां हैं, हम लोग बाहर से देख आए हैं। तो आप अंदर क्यों ना आई? हाँ, तो आप अंदर क्यों ना आई? जाते तो निकल ना दिए जाते। आप लोगों के थिएटर में क्या सब लोग शराब पीते हैं? नहीं तो कौन कहता है। वाह, अभी आप लोग हंस रहे थे तो मुझसे बदबू आ रही है। ये एक रिहर्सल था ना, रिहर्सल, वही शराबी वाला रिहर्सल। तो मिस्टर भलुआ आप कब आइएगा? कल गाड़ी भेज दूं? गाड़ी? हाँ गाड़ी, गाड़ी नहीं आएगी तो क्या मिस मंजू पैदल चल के जाएंगी। अच्छा तो मिस्टर भलुआ मैं कल गाड़ी भेज दूंगा, आप तशरीफ ले आइए। तो अच्छा नमस्ते। नमस्ते। जैसे रंग रचे हो सब में वही रंग रंग जाए, हम भी वही रंग रंग जाए, हम भी वही रंग रंग जाए। लोगों के काम में घंटी बाजी है, जाना ही पड़ेगा। तुम जरा ठहरो, मैं अब भी आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कल इतना समझा दिया था कि ठीक 11 बजे पहुंच जाना, 12 बज गए और किसी का पता तक नहीं। 2 बजे, आज 2 बजे कौन आएगा जानते हो? बड़ी बड़ी तो हाँ है तो ले रहे हो, लेकिन आज 2 बजे कौन आएगा ये भी जानते हो? जाओ जाओ, काम करो, काम 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 काम। अरे गाओ बजाओ, नाचो, रिहर्सल करो, जो कुछ भी बन पड़े करो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। जाओ जी। आदमी क्या चाहता है? जी आदमी चाहता है उंदा उंदा चुटपुटे गाने, रंगीन ख्यालियाँ, सरूर से मस्त होना। तुम्हारा सर। जी हाँ। गधे तुम खाक समझते हो, आदमी चाहता है औरत, बताओ हाँ या नहीं? जी हाँ जरूर। तो फिर हमारे थिएटर में औरत है, बताओ हाँ या नहीं? नहीं। हाँ कौन? ये कंचन, रमला, सुरमा, प्यारी, कमरा। उर्मा, शर्मा, प्यारी, कमरा, ये सब औरतें हैं? जी नहीं। तो फिर ये क्या है? जी औरत नहीं है। ठीक, औरत कैसी होती है आज देखना। आ रही है जिसकी हंसी देखकर खून पानी हो जाता है।
आइए आइए मिस मंजू, आइए मिस्टर भलुआ। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो इन्हें अपना थिएटर दिखा लाए। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए मिस मंजू। आइए आइए आइए। ये जी, ये है स्टेज। जी हाँ, जला दो वो बड़े फोकस वाली बत्ती, जला दो। कौन बत्ती सर? अरे जलाओ ना जलाओ ना, जो कहता हूँ वो करो। वही लाल लाल, वो नाच वाली नाच वाली। इतने दिनों से काम कर रहे हो या घास खोद रहे हो? ए लो, पहले पहले बात को अच्छी तरह समझ लो, तब जाओ, समझे? वही वो जो जर्द जर्द जो होती है, वो सूरज का इफेक्ट देने वाली, सूरज का इफेक्ट देने वाली, समझे? वो लूके ही का। समझे मिस मंजू, मैंने क्या कहा? ओ मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं ना। ए अरे सब्ज बत्ती जलाओ, सब रोने वाली रोने वाली। ये ठीक है। तो मिस मंजू, फर्ज कीजिए कि खूब दुख का सीन है और आप तमाम दुख दिखाने वाले नाक गमजे ठस्से अदाएं शरारतें शोखियां दिखा रही हैं, वो सब्ज बत्ती आपके मुंह पे डाली जाती है। एक स्वर्गीय अदा सहरा, एक हू हू करता हुआ रेगिस्तान है, फूल लगे हुए हैं, दस्तों का नाम निशान नहीं, और एक ओ हाँ, एक बात रह गई। चलो इन्हें नाच गाने वाला कमरा दिखा लाएं। आइए आइए। कर यहां से ले जाओ ना। अच्छा। ओ जुए, खूब जानती हूँ। तो मिस मंजू, आप परसों से बराबर आया करेंगी हैं? और भुलुआ? हाँ मिस्टर भुलुआ, मिस्टर हाँ मिस्टर भुलुआ भी जरूर आएंगे, लेकिन बात यह है कि इस ड्रामे में कोई और पार्ट नहीं है ना। लेकिन इससे क्या हुआ, मैंने मुंशी को कह दिया है अब जो ड्रामा लिखा जाएगा वो खास तौर पे मिस्टर भुलुआ ही के लिए लिखा जाएगा। चलिए मिस मंजू। थिएटर मंजू, सौंदर्य की खान, नृत्य की रानी, संगीत की देवी, नाट्य संसार में एक नया जीवन डालकर हलचल पैदा करने वाली मंजू। मंजू का नृत्य, मंजू का गाना, मंजू का अभिनय, मंजू का रूप, मंजू की अदाएं आज रात से 9:30 बजे। बेशक प्यारी बीवी बहुत अच्छा काम करती हैं, सिर्फ सूरत ही अच्छी होने से क्या होता है, गुण भी तो होना चाहिए, गुण। अरे बाबू साहब, अगर ऐसा ही है तो लौट क्यों नहीं जाते? बॉक्स का टिकट खरीदने के लिए लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मरे क्यों जाते हैं? लेके समंदर छोड़ के मंदल। अब गाओ। लेके कमंडल छोड़ के मंडल।
रुक क्यों गई? रुक हमसे नहीं होता। ठीक तो हो रहा था। चल फिर से गा। नहीं ये हमसे नहीं होगा, न जाने कैसी कैसी मुश्किल धुने, न समझ में आती है न कुछ, सीख लो। अरे कैसी पगली है, ठीक तो कह रही थी और कहती है कि हमसे नहीं होगा। ले फिर से गा। लेकिन कमंडल छोड़ के मंडल। ले पहले ठीक से सुन ले। लेके कमंडल छोड़ के मंडल, लेके कमंडल छोड़ के मंडल, मंडल के हुआ हमसे नहीं होता। 100 मर्तबा होगा, ना होना कैसा? जल्दी कर, थिएटर की गाड़ी अभी आकर मौजूद हो जाएगी। अच्छा ठहरो, देख एक काम कर, तू खुद ही गा, मैं नहीं बजाऊंगा। तब तो और भी हो चुका। तू गा तो सही, और जब तक मैं ना कहूँ रुकना मत, इसी लाइन को गाए जा। चल शुरू कर। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। रुकी क्यों, फिर गा। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। हटो, मैं डर गई थी। लेकिन ठीक तो हो गया ना, देखा? अरे वाह रे मेरी तुरतुरी। अच्छा अब केक मरता फिर गा लो। लेके कमंडल छोड़ के मंडल। बिल्कुल ठीक हुआ, देखा, और बहुत अच्छा हुआ। अच्छा आपके एक मर्तबा सारा गाना गा लो। अब मैं नहीं गा सकती। मंजू देख कहना मान। ओ गाड़ी आ रही है, चल। नहीं मैं थिएटर में भी नहीं जाऊंगी, पार भी नहीं करूंगी। ये क्या? नहीं ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम वहाँ होगे नहीं, इतने आदमियों की भीड़, मुझे डर मालूम होता है। कौन कहता है कि मिस्टर भुलुआ वहाँ नहीं होंगे? मिस्टर भुलुआ तो विंग में बैठ के आपका काम देखेंगे। हाँ देखेंगे, नहीं तो ठेंगा। खाली हमें काम देते हैं, इन्हें काम ना दे सके, ठेंगे का थिएटर। अरे वाह रे, ये कैसे हो सकता है? सुन तो रही हो कि सब पार्ट दिए जा चुके हैं। हाँ इसके बाद के तमाशे में तो देने को कहते ही हैं। क्यों, इसमें देने तो क्या होता, न जाने कौन गाएगा कौन नहीं, वो जैसे तुमसे अच्छा गाना जानता है। तो साहब ये तो बताइए, जब से आपका थिएटर खुला है तब से आज तक हर एक तमाशा मैंने देखा, आज टिकट नहीं मिल सका तो क्या मंजू भाई को मैं ना देखूं? आज इसी को भी कसम कीजिए। बाप रे बाप, क्या अंधे हो? औरत है या हसनी? अरे टीटी देकर क्यों नहीं, टीटी देकर, जिससे मालूम हो जाता कि सड़क ठीक करने वाला रोलर आ रहा है। इतने आदमियों की भीड़ और अकेले खड़े होकर हमें गाना होगा, इस बात का ख्याल से हमें डर मालूम होता है। अरे डर का है का? इतने आदमी के सामने ही गाने में तो खुशी होती है, नाम होता है। स्टेज पर पहुंच कर देखिएगा, बिल्कुल डर नहीं मालूम होगा। ऐसी ऑडियंस पाना क्या कुछ कम इज्जत की बात है? अरे ये सब बातें नसीब से नसीब होती हैं, नसीब से। मैं गाना ही भूल जाऊंगी, तुम मेरे पास रहोगे, वादा करो। अच्छी पगली है। अरे ये कैसे हो सकता है? हाँ करीब रहूंगा। हाँ तो फिर सामने ही रहना, हम जब देखना चाहे तो देख सके। हाँ हाँ सामने ही रहूंगा। अरे तुम क्या ख्याल करती हो, मैं ना देखूंगा कि तुम कैसे गाती हो? अच्छा अब आप ठीक से पार्ट याद कर लीजिए। अरे ये रोना क्या, हम तुमको हीरोइन बना के छोड़ेगा। अरे मुंजू तो आज ही बदनाम हो जाएगी। देखो ये पेड़ जो तुमने लिए लगा है, बस देखना देखे। भुलुआ चलो भाग जा। अरे ये भाग जाना कैसा? नहीं तो मैं रो दूंगी। अच्छी पगली हो। अरे डर का है का?
मिस मंजू, अब खेल शुरू होने को है। बल कुछ ना पूछो रंभा, कलेजा मुंह को आता है। अरे वो गाना मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा था, अब मंजू उसका सत्यानाश करेगी। हे कवि, तुम्हारी उर्दू में बेस्ट विशेस को क्या कहते हैं? जी कल भी तहनी है, उससे भी मुश्किल लफ्ज। आपको उस विंग से दाखिल होना है। हाँ नब्बू रेडी? हाँ जरा ठहरिए, इसे तुम लिए रहो और यहाँ से ना हिलना, मैं जब तुम्हें देखना चाहूँ देख लूँ। अच्छा मैं बैठकर देखता हूँ, तुम जाओ तो, वहाँ देर हो रही है। चलिए गाना। जा तो रही हूँ, जाइए। भुलवा मेरे पाँव कांप रहे हैं। धुत, डर किस बात का? वाह डर नहीं मालूम होगा। फिर वही डर। जाओ मैं तुम्हारे फूल हाथ में लिए बैठा रहूंगा, तुम मुझे देखती रहना और गाती रहना, डर वर सब दूर हो जाएगा। जाओ देर हुई जा रही है। नहीं जाऊंगी, जाओ। गाइए। हाँ हाँ
भुलवा भुलवा। दिन रात थिएटर थिएटर, न जाने कैसे कैसे बेहुदा लोग ऐसी नजरों से देखते हैं कि मुझे बहुत बुरा मालूम होता है, डर लगता है। पागल, अरे डर काहे का, और कई दिन गुजर जाए, देखना ये डर वर सब दूर हो जाएगा। शहर भर में तुम्हारा नाम होगा, हर तरफ तुम्हारी ही तारीफें होंगी, जिसकी जबान पर देखो मंजू मंजू मंजू। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, उन लोगों ने तुम्हें काम क्यों ना दिया, एक गाना तक सिखाने की तो तमीज नहीं। तमीज नहीं, वो सब पढ़े लिखे सिखा सकते। हाँ, वो तो कहो कि नसीब अच्छा है जो तुम सिखा भी देते। अच्छा ठीक है, अब गाना शुरू करो। ठहरो, ये क्या? ठीक है, अब गाओ। नहीं, फिर वही से, जब इतने लोगों के सामने ऊटपटांग गाओगी तो इसमें मेरी बदनामी ना होगी, लोग कहेंगे कि भुलवा कुछ सिखा ही नहीं सकता। उनके कहने से देखो मैं गा सकती हूँ कि नहीं। है क्या कोई सुहावन सपना, धन माया सब अपना अपना। है क्या कोई सुहावन सपना, धन माया सब अपना अपना। नाही नाही खुली आँख में, नाही 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 खुली आँख में, सपना कहाँ समाए। लतन मूरत दरस दिखाए, लतन मूरत दरस दिखाए, लालच की फरेबी धूप ये है, ना पिछले जन्म की धूप ये है, लालच की फरेबी धूप ये है, ना पिछले जन्म की धूप ये है। वो नहीं सकता धुआ सूरज रात को सामने आए, हो नहीं सकता धुआ सूरज रात को सामने आए। देखा मेरा हारमोनियम कैसा सुरीला है, तुम्हारे थिएटर के ऑर्गन टॉर्गन से कहीं बेहतर है, ये ठीक मेरे दिल की बात जान लेता है, जो चाहता हूँ समझ लेता है, तुमसे भी ज्यादा। और क्या, पहले ये तुम्हारे पास आया था कि मैं, अच्छा ठहरो, अमर बाबू ऑर्गन लाने वाले हैं, आ जाए तो देखूंगी, उस वक्त इसे चूर करके फेंक दूंगी। अच्छा चूर कर डालना, लेकिन जानती हो इसमें मेरी जान है, इसे चूर कर सकोगी? जाओ, ऐसी मनहूस बातें। अच्छा अच्छा, अब गाना तो सीख लो, आखिर तो थिएटर में जाकर धुन भूल ही जाओगी। हाँ, इनके कहने से शहर के तमाम लोग हमको कितनी बड़ी गाने वाली समझते हैं जानते हो।